नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे ही भरोसा तोड़ दिया था एक ब्रोकिंग कंपनी ने, जहां पर जो शेयर होल्डर्स थे उनके शेयर्स को गिरवी रख दिया गया था। आपको सारी कहानी हम बताएंगे। अभी ये डेटा मैं आपके साथ क्यों हाजिर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, प्लस एक गिरफ्तारी हुई है इनके चेयरमैन साहब की। जी हाँ, इंडसइंड बैंक ने कंप्लेन किया था और यहाँ पर काफ़ी महीनों बाद आफ्टर मैनी मंथ्स गिरफ्तारी जो है हो चुकी है, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ हुई। गिरफ्तारी बिल्कुल बनती हुई थी। यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रमोटर हैं सी परथ सारथी, वो अरेस्ट कर लिए गए हैं हैदराबाद पुलिस के द्वारा थर्सडे को। ठीक है, अब ये कांड तो हो गया है, कांड के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन हम यहाँ से सीखेंगे क्या। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, पहले थोड़ा सा केस आप जान लीजिए। केस मैं आपको बड़े आसान भाषा में समझा देता हूँ। कार्बी जो है ये अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है, चलो थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, क्या हुआ था उसको जान लेते हैं। और इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इट ऑल बिगेन सम टाइम इन लेट 2019। ठीक है, अभी बहुत पुरानी घटना नहीं है, मात्र 2019 की बात है, समझ लीजिए दो साल पहले की बात है। जी हाँ, दो साल लगभग हो चुके हैं। व्हेन द सेबी लर्न्ड, मतलब सेबी को समझ में आया कि कार्बी ने प्लेज किए हैं शेयर्स, ठीक है, अपने ही क्लाइंट्स के, विदाउट देयर नॉलेज टू रेज फंड्स फॉर द ग्रुप फर्म्स। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, इनके पास शेयर्स थे, ठीक है, शेयर्स थे। किसके शेयर्स थे? इनके क्लाइंट्स के। क्लाइंट्स कौन होते हैं? क्लाइंट्स कौन होते हैं? हम और आप। ठीक, अब हम और आप जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं तो हमसे हमारा ब्रोकर पावर ऑफ अटर्नी मांगता है, ठीक है। अटर्नी जनरल नाम सुना होगा, अटर्नी का मतलब हमारे नाम पे वो काम कर सकते हैं, समझ गए, अटर्नी का मतलब ये होता है। अब उनके पास हमने पावर दे दी है अटर्नी की। अब यहाँ से बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमारे शेयर्स के ऊपर वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे कि अभी के केस में क्या होता है वो भी समझाएंगे आपको। OTP वगैरह वेरीफाई करनी होती है अगर आपने अपने ब्रोकर को पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिया है। पहले क्या होता था, मात्र आप पावर ऑफ अटर्नी दीजिए, उसके बाद इसके अलावा अगर आपने POA नहीं सबमिट किया है तो वो अपने पूल अकाउंट में रखते थे आपके शेयर्स, तो वहाँ पर भी फ्रॉड होने के खतरे और ज़्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी के केस में क्या होता था, शेयर्स को वो बेच सकते हैं, वो उस शेयर का कुछ भी काम कर सकते हैं आपके बिहाफ पे, बता देंगे कि आपने बोला है, और जबकि वो करेंगे खुद। आई होप आप समझ गए। हम जहाँ पर हैं यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन लुत्फ आ रहा है, तो आपको अगर कोई डिस्टर्बेंस हो आवाज़ की तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पर पहुँचे थे कि आपके शेयर्स के साथ वो कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, उसको वो चाहे तो सेल कर सकते हैं, ठीक है, उसको वो चाहे तो प्लेज कर सकते हैं। अब आप ये नई चीज़ सुन रहे होंगे, प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? क्या आप अभी भी अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं? जी हाँ, प्लेज करने पर मिलता क्या है? मान लेते हैं आपके पास 1,00,000 रुपये के शेयर्स हैं, ठीक है, आपने अपने शेयर्स को प्लेज कर दिया, 50,000 की आपको मार्जिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएगी। अब यहाँ पर होगा क्या, ये 50,000 रुपये आप ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि आपके पास 1,00,000 के शेयर्स जो हैं वो पड़े होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज लगता है, और ऐसा नहीं सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे, थोड़ा इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको 1,00,000 के शेयर्स पर, अगर आपने उनको प्लेस किए हैं। थोड़ा बहुत रिस्क को यहाँ पर मिटिगेट करने के लिए कुछ चीज़ें अपनाती है कंपनियाँ, बाकी आपको एक बढ़िया जो है मार्जिन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। आप ये काम अभी भी कर सकते हो, इस पर अगर आप लोग कहोगे तो हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यही काम कौन किया, यही काम कार्बी ने किया। क्या करने के लिए? अपनी एक कंपनी जो इन्हीं की थी, सब्सिडियरी जिसको आप कह सकते हो, रियल इस्टेट से जुड़ी हुई, उनको लोन दिलाने के लिए अलग अलग बैंकों से। अब बैंक्स क्या कहते हैं, हमारे पास आप कुछ मोर्टगेज यानी कि कुछ गिरवी हमारे पास सामान रख दीजिए, ठीक है, आप भी कुछ लोन लेने जाते होगे, कुछ गिरवी रखना पड़ता होगा। तो उन्होंने क्या किया, यानी कि कार्बी ने क्या किया, अपने क्लाइंट्स के शेयर को बोला कि चलो भैया, हाँ आपको पता है कि नहीं, आप शेयर्स गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हो, अगर आपके पास ढेर सारे शेयर हैं, अपने बैंक से पता कीजिए कि हमारे पास ये शेयर हैं, हम गिरवी रखना चाहते हैं। खैर, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जो शेयर्स थे क्लाइंट्स के, उसको उन्होंने गिरवी रख दिया और एक बड़ा नंबर रखा गिरवी, ठीक है, शेयर्स का एक बड़ा नंबर। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी वॉज फाउंड वायलेटिंग मार्केट रेगुलेशन। जी हाँ बिल्कुल, मार्केट रेगुलेशन इन्होंने ब्रीच किया था। अब समझिएगा, सेबी किसी को ये थोड़ी कह देगी कि भैया आप क्लाइंट्स के शेयर्स को बिना उसकी अनुमति के बेच दो। इसीलिए आज OTP का चलन आ गया, और रिसेंटली ही आया है, जो लोग पिछले साल 6 महीने में अकाउंट खोलेंगे उनको ये दिक्कत फेस करनी पड़ती होगी। बाकी जो लोग पहले अकाउंट खोल के बैठे हैं, उनको शेयर बेचने के लिए बस क्लिक कीजिए और तुरंत बिकता है, कोई OTP और कुछ वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स एंड NBFCs। अब इन्होंने बैंक और NBFC को अप्रोच किया, शेयर्स उनको दिखाए और उनको क्या बोला,
कि इन शेयर्स को हम गिरवी रखना चाहते हैं और हमें आप लोन दे दीजिए 2,300 करोड़ रुपए। भाई साहब, मतलब 2 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 100 करोड़ होता है, 500 करोड़ होता है, 1,000 करोड़ होता है, 2,000 करोड़ होता है, ठीक, समझ रहे हैं। और यहाँ 2,300 करोड़ की बात हो रही है, 1 करोड़ में 100 लाख होता है, ये भी आपको पता होगा। तो हमको एक बार के लिए देखने में बड़ा छोटा अमाउंट लगता है, मात्र 2,300 करोड़। जरा 1 लाख की वैल्यू समझिए, अभी 1 लाख से 100 लाख पे जाइए, 100 लाख पे 1 करोड़ पे जाइए, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100, 100 से 1,000 और 1,000 से 2,000 और 2,300 करोड़। बड़ा फ्रॉड था, बहुत बड़ा फ्रॉड था, और यहाँ पर सेबी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, इनको नया अकाउंट खोलने से रोक दिया गया, ठीक है। सारे जो इनके कारनामे थे वो सबके सामने आ चुके थे, और अब उन्हीं कारनामों का खामियाजा कंपनी के प्रमोटर साहब भुगत रहे हैं, सी परत सारथी, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, ठीक। ये तो आपने कांड सुन लिया, अब इन्होंने शेयर्स को प्लेस कर दिया। हमने यहाँ पर सीखा क्या, 2-3 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इस पेज पे वापस आऊँगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से प्लेजिंग उन्होंने कर दी और ये काम कर दिया। तो आप अगर अपने ब्रोकर के पास, पहली चीज़ तो आपके पास एक टॉप नॉच ब्रोकर होना चाहिए जहाँ पर आपका फंड जमा होता है। टॉप नॉच कौन है, मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं ले सकता और लेना भी नहीं बनता है। आप चेक कीजिए आपका ब्रोकर किस कैटेगरी में आता है, क्या काम करता है, वो कंपनी कैसी है। जो लिस्टेड होंगे ऑफकोर्स सी बात है वो तो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं। जो लिस्टेड नहीं है उनमें भी आप देखिए कि कौन सी ज़्यादा बेटर है, किसके पास कौन से इन्वेस्टर्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, उनकी साइज़ क्या है। दूसरी चीज़, किसी पे कितना भी भरोसा। मैं आपको बता दूं, मेरा एक फ्रेंड जॉब करता था कार्वी में, और जब ये कांड सामने आया तो उसकी जॉब तो ऐसे अच्छा तुरंत नहीं चली गई, लेकिन उसको मतलब परेशान किया जाने लगा, काम ज़्यादा करवाया जाने लगा, सैलरी कम की जाने लगी। ये धीरे धीरे, मतलब हर कोई इससे अफेक्ट होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, कंपनी अभी बंद नहीं हुई है कार्वी, आप ये मत सोचिएगा कंपनी एकदम ध्वस्त कर दी गई, कंपनी अभी भी चल रही है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो कंपनी चल रही है ना, इसका कंपेरिजन पता है कुछ मामलों में तो कैंप्स से होता, क्योंकि कैंप्स जैसा भी इनके पास एक बिज़नेस है, यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रार होते हैं, काफ़ी बेहतरीन बिज़नेस ये माना जाता है। जैसे कैंप्स का जो बिज़नेस है मुझे बहुत पसंद है, जब इनका आईपीओ आया था मैंने उस समय वीडियो डालकर भी आपको बात बताई थी कि ये स्टॉक लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए आपके पास। और एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक जब डबल होता है आईपीओ प्राइस के बाद तो काफ़ी अच्छा फील होता है। आपके लिए डिस्क्लेमर ये, मैं यहाँ पर इन्वेस्टर हो सकता हूँ तो हो सकता है मेरा इसकी तरफ थोड़ा झुकाव रहे, लेकिन वापस चलते हैं कार्बी के ऊपर। कार्बी के ऊपर इसलिए वापस आए हैं क्योंकि इन्होंने जो कांड किया है उससे आपका अलर्ट रहना ज़रूरी है, ठीक। मैंने आपको समझा दिया, आपके ब्रोकिंग अकाउंट में यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी अमाउंट पड़ा हो देख लीजिए आप उसका यूज कर रहे हो कि नहीं। अगर आपके पास 5,000-10,000 भी है तो आप उसको विदड्रॉ कर लीजिए अपने खाते में। रूल भी है कि 3 महीने अगर आप कुछ नहीं करते हो उस फंड पे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए ही है ये। प्लस मैं तो ये कहता हूँ आपसे, अगर आपको कोई फंड 7 दिन के लिए भी या इवन 5-4 दिन के लिए भी यूज नहीं करना है तो आप उसको लिक्विड फंड में, ओवरनाइट फंड में डाल दीजिए। बहुत सारे ब्रोकर ये डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से आपका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये जो आप पैसा रहेगा, आपका पैसा, वो या तो CDSL, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं CDSL या NSDL के पास चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, ये तो आप जानते ही हो। उसके बाद अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया तो AMC कंपनी के बाद आपका फंड चला जाएगा। और AMC जो होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ जो होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा अमाउंट होता है और वहाँ पर एक जाना माना नाम होता है, जैसे कि HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, इन सब के अपने बिजनेसेस हैं म्यूचुअल फंड्स के। आप वहाँ पर उनका म्यूचुअल फंड खरीदिए तो वहाँ पर मतलब दिक्कत के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड खरीद रहे हो, 4-5-6-7 दिन के लिए कीजिए, छोटा सा ट्रांजेक्शन करना होता है आप वो कर दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखना मतलब रिस्क लेना है, भले ही छोटे लेवल पे ही हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय कार्बी के ऊपर भी लोगों का भरोसा बहुत था और इन्होंने एकदम दिल तोड़ दिया था। सोचिए कि आपके शेयर्स को गिरवी रख करके, ठीक है, ये बैंकों से पैसा उठाते थे, उस पैसे से ये ज़मीन खरीदते थे, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे, उस इन्वेस्टमेंट को ये बेच देते थे, समझ रहे हैं ना आप, उस इन्वेस्टमेंट को ये बेच देते तो क्या होता, कमाल होता। कितने पहले से ये कहानी जारी थी, क्या हो रहा था नहीं पता, क्या कार्बी नहीं ऐसा किया, मुझे संदेह है। बहुत सारी कंपनियों ने इससे पहले बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं, मात्र कार्बी ही नहीं ऐसा किया है। इसके पहले भी बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स बैन हुई हैं, उनके ऊपर इल्लीगल काम करने के आरोप हैं, इल्लीगल ट्रेड करवाने के आरोप हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे, उनका भी भंडाफोड़ हुआ है। तो काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड यहाँ पर चलते हैं। कल मैंने एक फ्रॉड की बात की थी ऐप के माध्यम से, क्या हो रहा है, और यहाँ बादल भी क्या मस्त गरज रहे हैं। चलिए, मैंने आपको कल एक फ्रॉड के बारे में बताया था, आज इस अलग लेवल के फ्रॉड के बारे में बता रहा हूँ। हुआ
अगर किसी के साथ, मैंने आपको बताया ना 95,000 कितने 95,000 क्लाइंट्स के साथ ये हुआ था धोखा, देख रहे हैं, मतलब एज मैनी एज 95,000 क्लाइंट्स हैव बीन अफेक्टेड। छोटी बात नहीं है भाई, 95 लोग हों, एक बार हम कह दें चलो भैया छोटा फ्रॉड था, 900 लोग, 1,000 लोग हो गए तो बड़ा फ्रॉड, और 95,000 लोग हो गए तो ये बहुत, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ स्टॉक मार्केट है। हर्षद मेहता को जानते हो, यहाँ पर भी नाम जान लीजिए, बड़े लेवल पे यहाँ पर फ्रॉड हुआ था। और इस बारे में मैंने आपको दो सीख दी, पहला कि आप शेयर्स बाई करके रखिए, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में फंड है उसको आप बैंक अकाउंट में वापस ले लीजिए, ये एक चारा रहेगा। अगर नहीं लेना चाहते लिक्विड फंड में पैसा रख दो, ये बढ़िया चीज़ है। और जो सबसे अच्छी चीज़ आपने सीखी कि दूसरा कोई आपके शेयर्स प्लेज करे उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद अपने शेयर्स प्लेज कर लो अगर आपको आपके फंड्स की ज़रूरत है। यहाँ पर इसका बेस्ट उपयोग कैसे हो पाएगा, मान लेते हैं कि आपके पास 1,00,000 का शेयर पड़ा हुआ है, उससे आपने 50,000 की मार्जिन ले ली और आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो वो शेयर तो आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, मान लेते हैं कि वो एक साल बाद 15% ऊपर है तो वहाँ पर आपने 15,000 रुपये कमाया, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं आपने 7-8% रिटर्न निकाल लिया अगले एक साल में छोटा छोटा ट्रेड कर करके, स्विंग ट्रेड कर करके या जो भी आप ट्रेड करते हो, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप जोड़ोगे तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। तो आपको एक छोटा सा चार्ज देना पड़ता है, बहुत छोटा सा चार्ज, ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये लग रहे हैं या 500 रुपये लग रहे हैं, काफ़ी छोटा चार्ज लगता है। आप अपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा पता करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी, लेकिन ये काम तभी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व है, आपको पता है। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, आप ऑप्शंस में फ्यूचर्स में ट्रेड करने आ गए तो आपको काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, सेटअप होना चाहिए आपके पास। मैंने आपको वीडियो भी दी है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप, जरूर देखिएगा। अभी अलविदा ले रहे हैं तो 2-3 बातें जब आपने सीखी उसका उपयोग जरूर कीजिएगा। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप फालतू का पैसा रखते हो तो 3 महीने बाद तो रूल है कि वो आपके खाते में वापस आ जाएगा, लेकिन हर तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखो अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो तो, अदरवाइज कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कार्वी भी एक बड़ा नाम था और उन्होंने अपने नाम को डुबाया था, लोगों के पैसे को ऐसी तैसी करके रख दिया था, बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड्स आते रहते हैं सामने, आपको पता है। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, हम आपसे मिलेंगे अगली ढेर सारी वीडियोज़ में। वीडियो लाइक कर देना, और जो बादल की गर्जना आ रही थी जिनको अच्छा लगा हो उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्हें बुरा लगा हो तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।